यात्रीगण, ये सूचना आपके लिए जरूरी है। भारतीय रेलवे की पटरियों पर अब आने वाली है प्राइवेट ट्रेनें। तेज, आरामदायक और विश्व स्तरीय ट्रेन के इंतजार में अपने स्टेशन पर बने रहिए, ऐसा सरकार का वादा है। ये इरादा प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही जाहिर कर दिया था। मार्च 2013 में लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में नरेंद्र मोदी ने कहा था, सरकारी पटरी पर प्राइवेट ट्रेनें क्यों नहीं। पूरे 7 साल पहले की सोच अब पटरी पर भागने की तैयारी में है। सरकार रोड बनाती है, क्या उस रोड पर सरकार के ही व्हीकल चलते हैं क्या? एयरपोर्ट बनाते हैं, प्राइवेट जहाज आता है कि नहीं आता है? आता है। इतनी बड़ी रेलवे की पटरियां पड़ी है, ये क्या कारण के उसके ऊपर सरकारी डिब्बा ही घूमता रहेगा? पहल की शुरुआत के लगभग 1 साल बाद सरकार ने आज भारतीय रेल के निजीकरण के लिए पहला कदम उठाया है। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी ट्रेन ऑपरेशंस का प्रपोजल मांगा है। रेल मंत्रालय ने 109 रूट पर 151 मॉडर्न ट्रेनों के लिए निजी आवेदन मांगे हैं। रेलवे ने देश भर में इसके लिए 12 क्लस्टर्स बनाया है। ये ट्रेनें अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। रेलवे की तरफ से सिर्फ ड्राइवर और गार्ड मिलेगा, बाकी पूरी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी की होगी। ये जो हम ट्रेनें चला रहे हैं, एक तो जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर के थ्रू चलाने का प्लानिंग किया हुआ है, जो खाली 5% है, दैट इज नंबर वन। दूसरा ये है कि जितनी ट्रेनें चल रही हैं, उनके ये अलावा है, इन एडिशन है। नई प्राइवेट ट्रेनें तो पटरी पर उतरने का इंतजार कर रही हैं। राजनीति अभी से रेड लाइट लेकर खड़ी हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने गरीबों का आखिरी सहारा भी छीन लिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रेलवे के निजीकरण को लेकर सरकार पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने चलाए थे गरीब रथ, भाजपा चलाएगी अमीर रथ। टैक्स जनता का, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का और मुनाफा उद्योगपतियों का। वाह मोदी जी वाह। भारत में गरीब की चलेगी या अमीर की चलेगी, प्रश्न इस बात का है। यूपीए सरकार में हम लोगों ने चलाया था गरीब रथ, और उसके चलाने के बाद भी लालू जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे मुनाफे में था। अब ये चलाना चाहते अमीर रथ, यानी कि निजी कंपनियों के द्वारा चलाई गई ट्रेनें। अब पटरी तैयार है और पटरी पर प्राइवेट रेल दौड़ाने वाली भारतीय रेल भी, तो क्या विपक्ष का ये हो हल्ला बेगाना होकर रह जाएगा?